हेलो गाइस, क्या आपको पता है आखिर रात में किन्नर क्यों निकालते हैं शव यात्रा? वीडियो को लास्ट तक देखें, किन्नर से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथ्य आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए जानते हैं। किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि किसी की नज़र उन पर पड़ ना जाए। यह एक मान्यता है कि अगर किन्नर के शव को कोई देख लेगा तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। ये बाकी किसी भी धर्म की शव यात्रा से अलग होता है। क्या आपको पता है कि किन्नरों की जन्म कैसे होती है? शास्त्र क्या कहते हैं किन्नरों के जन्म पर? ज्योतिष शास्त्र में कई और ग्रह योग बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को किन्नर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में इसे सांप से पाया हुआ जीवन कहा जाता है। अर्जुन सांप के कारण किन्नर हुए थे और शिखंडी पूर्व जन्म के कर्मों से। कुंडली में शनि की स्थिति को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा की परछाई से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक मान्यता यह भी है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। क्या आपको पता है किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? किन्नरों के शव को दफनाया जाता है। वैसे तो किन्नर हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन उनके शव को फिर भी दफनाया जाता है। मौत पर मातम भी नहीं मनाया जाता। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये किन्नर की वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में मैंने 20 लाइक का टारगेट रखा है। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। और अगर आपको किन्नर की वीडियो का थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।